दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जालौन ब्लॉग। दोस्तों आज हम लोग आए हैं जालौन के सिटी कॉम्प्लेक्स में, वहां पर आपको दिखाएंगे कितनी अच्छी जिम खुल गई है। अगर आप लोग जालौन में रहते हैं और वर्कआउट करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट जिम आपको बताते हैं कि हमारे जालौन में सिटी कॉम्प्लेक्स में खुली हुई है। तो दोस्तों आपको लेके चलते हैं सिटी कॉम्प्लेक्स में और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या फैसिलिटी है वहाँ पर, क्या क्या सामान आपको मिलेगा, रनिंग करने के लिए होंगे डंबल होंगे कि नहीं होंगे, कौन कौन सी मशीनें होंगी, सारा कुछ दिखाएंगे और कुछ लोगों से आपको वहाँ पर मिलाएंगे, बात कराएंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहेगा आपको उस जिम में। तो दोस्तों हम चलते हैं सीधे जिम की ओर। दोस्तों सीधा चलते हैं हम जिम की ओर और आपको दिखाते हैं ये रास्ता है। ये देखिए दोस्तों, ये नाम लिखा हुआ है, ये गेट है, फर्स्ट गेट है। ये देखो कुछ लिखा हुआ है, जिम के रूल्स पढ़ सकते हैं आप। सुबह 5 बजे से खुलती है और 10 बजे बंद। तो हम लोग जिम के अंदर आ चुके हैं, अब लेके चलेंगे आपको दिखाएंगे कौन कौन सी मशीनें लगी हुई हैं, क्या वर्कआउट कर रहे हैं। सभी लोग आ चुके हैं और भी लोग आ रहे हैं, सभी लोगों से मिलाएंगे, क्या फीस है इसकी और कितना टाइम टेबल है, क्या बजे आते हैं आप जिम पे और क्या बजे बंद होगी, सारा कुछ बताएंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों लेके चलते हैं भाई के पास। ये देखिए भाई हमारे वर्कआउट कर रहे हैं, ये देखिए आप लोग भी आ सकते हैं, वर्कआउट करके फिट रह सकते हैं। तो भैया हम लोग आ चुके हैं रामजी भैया के पास, वो इस जिम के मैनेजर हैं। अगर आप इस जिम में आते हो तो कितनी फीस है, कितना टाइम टेबल है, सारा कुछ बताएंगे। तो दोस्तों और दिखाएंगे इस जिम में कितनी मशीनें लगी हुई हैं और कितने भाई लोग हैं हमारे जो जिम कर रहे हैं और कितना टाइम टेबल है, कितनी फीस है, सारा कुछ बताएंगे। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं सीधे भैया के पास और हम भैया से बताएंगे, जो भी आता है कोई जिम में और कोई भी वर्कआउट करता है तो हमारे भाई है, कोई भी दिक्कत हो पूछ लेना उनसे, वो हर एक चीज़ की बताएंगे कि कैसे बाइसेप करना है, कैसे ट्राइसेप, कैसे चेस्ट करनी है, कैसे शोल्डर लगाना है, सारा कुछ बताएंगे। और भैया बहुत ही हंसमजाज हैं, फेस पर मत जाओ, बहुत ही गुड लुकिंग है। तो दोस्तों हम लेके चलते हैं मशीनों की ओर और दिखाएंगे कौन कौन सी मशीनें लगी हुई हैं हमारे जिम में। ये देखिए भैया चेस्ट लगा रहे हैं, ये देखो, ये देखिए भैया का देखो बैक कितना बड़ा है। देखिए दोस्तों ये मशीनें लगी हुई हैं, देखिए देखिए कितनी शानदार जिम बनी हुई है। देखिए चेस्ट की लगी हुई है मशीन, ये देखिए ये बेट है, ये देखिए दोस्तों यहाँ से बेट कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए भैया डिप से लगा रहे हैं पुशअप। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो हम चेस्ट की लगा रहे हैं मशीन, आप लोग भी आइए, बहुत अच्छी अच्छी मशीनें हैं इस जिम में। ये देखिए भैया मीटर चल रहा है, भैया रनिंग कर रहे हैं। उसके बगल से एक और मशीन लगी हुई है, भैया उस पर भी रनिंग कर रहे हैं। देखिए दोनों भैया रनिंग कर रहे हैं, एक उस साइड है एक उस साइड है। ये देखिए भाई, दोस्तों ये देखिए सामने भैया बाइसेप लगा रहे हैं, ये देखिए भैया का डोला बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है इसमें यार। देखो भैया बाइसेप कर रहे हैं, आप लोग भी आइए।
फिटनेस का जरूर ध्यान रखिए और जिम में आइए, अपने आप को फिट रखिए। जैसे भैया हैं सामने, देखो बाइसेप लगा रहे हैं, बहुत ही अच्छा डोला दिखाई दे रहा है भैया का, काफ़ी वेट उठा रहे हैं भैया, चल रहे हैं और एक लोगों की बॉडी दिखाने के लिए लगा के जा रहे हैं। चलिए भैया सीधे चलते भैया के पीछे पीछे और दिखाएं किसकी बॉडी बहुत ही अच्छी है। देखिए भाई ये देखिए दोस्तों, ये बूफर रखा हुआ है, जब भैया लोग जिम करते हैं तो ये बूफर बजता है। यहाँ पर डंबल लगे होते हैं, कोई सा भी डंबल लेके आप जिम कर सकते हैं। देखो इसका वेट कितना होगा आपको दिखाएंगे हम, 22.5 किलो। देखो सारा कुछ यहाँ पर डला है, भैया लोग जिम कर रहे हैं, बहुत ही शानदार जिम बनी हुई है। ये देखिए लोग आते ही जा रहे हैं जिम में, देखो भैया ये देखिए। दोस्तों अब इस जिम में एक सप्लीमेंट का गोदाम खुला हुआ है या दुकान मान सकते हैं आप, तो आप लेके चलते हैं सीधे सप्लीमेंट में, दिखाते हैं कौन कौन से लगे हुए हैं सप्लीमेंट। आइए दोस्तों, जैसे कि देखिए, तो दोस्तों देखिए पूरी दुकान भरी हुई है सप्लीमेंट से। देखिए दोस्तों इतने बड़े बड़े डिब्बे लगे हैं, पहली बार देखा है हमने यार, बहुत ही बड़े बड़े डिब्बे हैं दोस्तों। ये देखिए आप लोग आइए जिम में, सारे सप्लीमेंट मिलेंगे। और ये कुछ रखा है एनर्जी ड्रिंक है, क्या है दोस्तों देखिए। दोस्तों ये देखिए पोस्टर लगा हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये पोस्टर। और नीचे सोफा डला हुआ है यहाँ पर, ये जिम के बाहर का नजारा है दोस्तों। ये देख रहे हो सभी लोग जिम कर रहे हैं बाहर। एक बार भैया